नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाता हूं। जैसे कि हमने भी यूट्यूब लाइव भी स्टार्ट किया है, तो जितने लोग इंटरेस्टेड हो आप यूट्यूब लाइव ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। आज लाइव नहीं आऊँगा मैं, आई होप लास्ट टाइम जो लाइव आया था उसमें काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि उस हिसाब से मार्केट ने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया था। सॉरी, मैं सोच रहा हूँ कल लाइव आऊँ आपके लिए, या फिर संडे के दिन हम लोग लाइव आएंगे अगर पॉसिबल होगा तो, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं डायरेक्टली लेवल्स के ऊपर। वीडियो को स्किप मत करिए, शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो भी लेवल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ वो लेवल्स को आप ज़रूर नोट करिएगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सपोर्ट तलाश रहा था यहाँ पर, जैसे कि अभी सपोर्ट पर आज उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से अगेन ऊपर की ओर बाउंस बैक हुआ है। तो यहाँ पर फिर भी ये सपोर्ट पर ही क्लोजिंग दिया है आज। तो कल सॉरी मंडे इसमें क्या मोमेंटम हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए, अगर SBI 50275 हो गया, या फिर 70 पैसा पकड़ के चलिए, जैसे ही सपोर्ट 50270 पैसा के नीचे सस्टेन करेगा और उसके बाद नीचे जाने लगे, तो आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा 498, दूसरा रहेगा 492.50। याद रखिए, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50270 पैसा के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 498, 492.50। रेजिस्टेंस की अगर बात कहूँ, रेजिस्टेंस की बात में मैं बोल देता हूँ, सेम सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस भी वही है। एक मिड पॉइंट में आपको दिया हूँ, 50270 पैसा आपका भी रेजिस्टेंस का लेवल है। जैसे ही उसके ऊपर चलता है, पहले ही आपका आज का डे हाई हीट करेगा टारगेट 50750 पैसा, आपका पहला टारगेट हीट करेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 51385.50। याद रखिए, 50270 पैसा के ऊपर सस्टेन करने पर बाय कर सकते हो। 50750 पैसा पहला टारगेट, 51350 पैसा दूसरा टारगेट रहेगा। गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को भी अगर फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, चेक करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा DLF। DLF के ऊपर हम लोग अभी थोड़ा एनालिसिस करेंगे। जैसे कि DLF में हमने प्लान किया था कि ये अगर रेजिस्टेंस के ऊपर चलने लगता है तभी हम लोग बाय करेंगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा टारगेट हमारे लिए था। हाँ, और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, सपोर्ट जो मैंने आपको दिया हुआ था सेम सपोर्ट उसने वहाँ पर ब्रेक किया है। सपोर्ट ब्रेक करने की आपको भी मैंने एक चीज़ कहा था, अगर 406.85 पैसे के नीचे चलता है तो ये 398 और 390 का लेवल भी हीट कर सकता है। तो एग्जैक्टली उसने 390 का लेवल भी हीट किया है आज। तो चलते हैं हम लोग, अभी आपको चार्ट पैटर्न देखे पता चल रहा होगा, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाने की भी कोशिश कर सकता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक लो लगाया उसने और अगेन यहाँ पर एक लो लगाया, तो अगर ये इसको क्रॉस नहीं करेगा हो सकता है यहाँ पर दोबारा उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलते हैं डायरेक्टली लेवल्स के ऊपर, इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, और हम लोग थोड़ा चेक करेंगे इंट्राडे के लिए क्या लेवल हमारे लिए अवेलेबल है। सपोर्ट आपका रहेगा 390.40। याद रखिए, अगर DLF 390.40 के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 385.25, 381.15 और 377.10। यहाँ तक भी टारगेट हो सकता है, याद रखिए 390.40 सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके नीचे सस्टेन करता है 385.25 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 381.15, तीसरा रहेगा 377.10। रेजिस्टेंस की अगर बात कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 398 के ऊपर जैसे ही चलेगा आप लोग बाय कर सकते हो।
पहला टारगेट रहेगा 4,0570 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 4,0035 पैसा। याद रखिए रेजिस्टेंस आपका रहेगा 398 के ऊपर अगर चलता है तो पहला टारगेट रहेगा 405 के ऊपर चलता है 4,1035 पैसा। तो गाइस ये है आपका रेजिस्टेंस, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने आपको सारे के सारे लेवल्स दे दिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो ये लेवल्स नोट करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। गाइस अगर आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं सपोर्ट देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि अगर आप कोई अगर ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह जो भी है, मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। अगर आप इंट्राडे बेसिस में अगर आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हो तो हर रोज़ में इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा कमाता हूँ, खास करके मेरे क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ। जो भी ऑप्शंस पे काम करते हो, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया या फिर स्टॉक ऑप्शन हो गया, सारे में मैं काम कराता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के लिए डेफिनेटली मैं कुछ करूँगा, यूट्यूब के लिए हो या फिर मैं कोई टेलीग्राम चैनल उसके लिए क्रिएट करके आप लोगों को सर्विस देने के लिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के ऊपर भी काफ़ी अच्छा टारगेट आपको नीचे की ओर मिला है, जैसे कि हमने प्लान किया था कि ये 140 क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर करेगा, बट यहाँ पर आपको कुछ अलग देखने को मिला है। फिर भी मैंने कहा था कि ये सपोर्ट याद रखिए और रेजिस्टेंस याद रखिए, बट उसने हमारा रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया है, सपोर्ट को ही ब्रेक करके सपोर्ट के नीचे जो भी मैंने टारगेट बताया था वो सारे टारगेट उसने अचीव किया है। तो हम लोग चलते हैं अशोक लेलैंड के ऊपर और अशोक लेलैंड के लिए लेवल्स क्या रहेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। अशोक लेलैंड का सपोर्ट रहेगा 137.70 रुपीज़। जैसे ही अशोक लेलैंड 137.70 पैसे के नीचे चलता है सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 135.50 पैसा, 134। याद रखिए अशोक लेलैंड अगर 137.70 पैसे के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 135.50 रुपीज़, 134। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 139.95 पैसा, 139.95 पैसे के ऊपर चलने लगता है बाई करिए 141.90 पैसा, 143.65 पैसा यहाँ तक टारगेट रहेगा। याद रखिए 139.95 पैसा के ऊपर चलता है बाई करिए अशोक लेलैंड को। पहला टारगेट रहेगा 141.90 पैसा, 143.65 पैसा, और 143.65 पैसे की ऊपर भी चलता है तो यहाँ पर आपको एक उम्मीद रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको 144 के आसपास भी एक 144 के ऊपर एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है, करीबन 149 के आसपास भी जा सकता है। तो ध्यान रखिए जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने आपको बता दिया हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा टाटा मोटर्स। देखिए आपको टाटा मोटर्स और डीएलएफ में सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, शायद आपको कंटिन्यूसली सेम चीज़ आपको देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स और डीएलएफ में। तो ये चीज़ भी आप एक बार ध्यान रखिए, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो ऑल टाइम हाई इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश में था, फिलहाल के लिए इसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो सपोर्ट प्लान किया था वो सपोर्ट के नीचे भी अभी है, क्लोजिंग तो सपोर्ट के ऊपर ही दिया है, फिर भी हम लोग देखते हैं और इसमें क्या टारगेट हो सकता है। 494 का सपोर्ट पकड़ के चलिए, अगर टाटा मोटर्स 494 को ब्रेक करता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, सेल करिए 499 के नीचे सस्टेन करता है तो सेल करिए 494.25 रुपीज़ पहला टारगेट, 491.30 रुपीज़ दूसरा टारगेट, 487.50 पैसा तीसरा टारगेट। 499 के नीचे आपको सेल करना है सपोर्ट, और पहला टारगेट 494.25 पैसा, 491.30 पैसा, 487.50 पैसा यहाँ तक टारगेट रहेगा। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ 504 आपका रेजिस्टेंस है, जैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर चलने लगता है बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 508.90 पैसा, 510.85 पैसा,
और 51850 यहाँ तक आपको टारगेट रहेंगे। तो गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने आपको सारे के सारे लेवल्स बता दिया हूँ। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।